गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं आया हूँ काफ़ी टाइम बाद आपके सामने ब्लॉग लेके। तो एक्चुअली क्या था कि नहीं हो पाता, हो क्या नहीं पाता कि एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी क्या, बहुत ख़राब थी। बीच में मैं काफ़ी दिन बीमार था, तो अब मैं थोड़ा सही हूँ। तो आज हम निकलेंगे बाहर को और आज हम जा रहे हैं रामगढ़। रामगढ़ में एक अच्छी सी जगह है, तो मैं आज आपको वहाँ का दिखाऊंगा। और वहाँ निकल रहे हैं हम लोग, तो सीधे अब हम निकलते हैं। अभी हम भवाली से यहाँ आगे थे, आगे को तो आगे निकले, तो यहाँ पे हमें थोड़ा आज नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, तो अब मैगी वगैरह खाते हैं। तो मैगी वगैरह भैया बना दिया, ऑर्डर दे दिया है। और यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी है, धूप भी है, तो लेकिन रात को काफ़ी ठंडा होगा। तो भैया बता रहे थे अभी यहाँ पे बारिश वगैरह हुई है, तो चलते हैं अब। भैया मैगी बन गई? बस दादा भी कह रहे 1 मिनट करीब बनेगी। हमारे दादा हैं, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मतलब यहाँ पे रुकता हूँ, चाय पीता हूँ या मैगी खाता हूँ, ये दादा हैं। तो गाइस अभी तो मैगी वगैरह खा ली, और मैगी वगैरह खा के हम निकल पड़े हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं आपका रामगढ़, और जहां आज हमारी हमें जाना था, तो आज हम नाइट स्टे यहीं है हमारा। तो आज हम पहुंच चुके हैं रामगढ़, हमारा रामगढ़ पहुंच चुका है। और ये देखिए, वाह मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम से। काफ़ी मतलब ठंडे में, गर्म से एकदम ठंडे में आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम रुके हुए हैं ये पीछे कुमाऊँ थोड़ी एडवेंचर कैंप में, और चले चलते हैं अंदर और देखते हैं। आपू लोगों के स्वागत छू, इसमें स्लोगन लिखा हुआ है, आपू लोगों के स्वागत छू। तो आइए चलते हैं। तो हम तो पहुंच चुके हैं अंदर कैंप में, और ये एंट्री हो गई हमारी अंदर कैंप में। और सीधे अब हम निकलेंगे कैंप में और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 5 बज गया। मॉर्निंग 11 बजे से निकले हैं और 5 बजे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो बहुत गाड़ी ड्राइव की है। तो अब सीधे हम कैंप में जाएंगे और रेस्ट करेंगे 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी अपने कैंप के अंदर, और कुछ इस तरह से है, बिल्कुल मेरा बढ़िया है कैंप। कैंप ना लोकेशन एकदम बढ़िया, और से यहाँ पे सब चीज़ फैसिलिटी भी काफ़ी सही है। और अगर ज़्यादा ही आपको दिन में अगर गर्म लगता है, वैसे गर्म तो नहीं है, रात को यहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा, क्योंकि रात को तो बेहिसाब ठंडा रहता है यहाँ पे। तो ये फैन दे रखा, अगर दिन में किसी को गर्म लगती तो वह है, काफ़ी सही है। तो अब मैं करूँगा रेस्ट थोड़ी देर, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस नींद थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। एक्चुअली क्या था, मैं सोचा आधा आधा घंटा सोऊंगा, लेकिन पूरा ही सो पड़ा। अभी बज गया 7:30 और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी उठाऊँ, विजय भी अभी बाहर गया था, दे फिर से लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो होता ही है। विजय इधर आ भाई, कहाँ गया, बाहर जल्दी आ। तो गाइस विजय गया है थोड़ा सा बाहर, तो आज हम आपको मिलाते हैं विजय भाई से। विजय भाई से तो आप मिलते ही हैं, तो देखते हैं। आइए हमारे लल्ला सिंह आ गए। हेलो विजय भाई, कहाँ चले गए थे तुम डार्लिंग? हम सोए और ये भाई साहब पता नहीं बाहर मस्ती कर रहे हैं। बताओ इतनी मस्ती कौन करता है? और उनको ठंडा नहीं लग रहा? मेरी फटके हाथ में आ गई ठंडे से, तो ठंडा नहीं होता हमें, मेरे तो ठंडे से हाथ में देख लो विंचीटर डाल दिया, ठंडा हो रहा। देखो बाहुबली बन रहा भाई, बाहुबली अभी पता लगेगा बेटा, रात को ठंडा होगा जब जब चिपक के सोएगा ना तब पता लगेगा। हाँ देखो अब वही होता है लौंडो का, क्या कह सकते हैं लौंडो से, चिपक के नहीं सुना, बल रजाई के अंदर सुना। चलो बढ़िया। तो गाइस अब चलते हैं हम बाहर, थोड़ा बाहर देखते हैं क्या चल रहा है। सो गाइस ये देखिए कुमाऊँ रोडीज एडवेंचर कैंप। ओ मनोज दा, ये रहो, ये यहाँ के ओनर हैं,
मनोज दा हमारे, और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और यहाँ के ओनर भी हैं, तो हमेशा हम यहीं आते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना दिया पहले से इन्होंने। मेरा वाला कैंप हुआ है सामने। और यहाँ पे कभी भी आपको 12 मंथ होता है साल में, 12 महीने में आना है तो अपने लिए एक छोटा सा गर्म कपड़ा रख के लाना, क्योंकि रात को यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो गाइस अब आ गई है मेरी चाय, यहाँ पे चाय पियेंगे और यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं आराम से। हल्के हल्के गाने चले हैं, गाने सुनते हैं और चाय पीते हैं, और फिर उसके बाद एक घंटे बाद हमारा डिनर हो जाएगा, तो डिनर करेंगे फिर हम रेस्ट करेंगे। उस वही है, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे आई है कुमाऊँ रोडीज एडवेंचर कैंप में। कभी भी आना होगा तो यहाँ पे विजिट करिएगा, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सही जगह है। तो हम तो भैया आते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा क्यों ना इस बार आपको से भी रूबरू करवा दें इस जगह को। तो लेकिन काफ़ी सही जगह है। अभी देखो अभी बहुत अच्छा बना दिया पहले से, काफ़ी बहुत बढ़िया बना दिया है भैया ने यहाँ पे। तो चाय पीते हैं ठंडा, हल्की हल्की ठंड में अपनी चाय इंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हमने चाय पी ली और चाय पीते पीते इतनी तेज हवा चलने लगी कि ठंडा ऐसा हो गया कि मैंने टोप कैप डाल ली अपनी मंकी कैप। और ये हमारे मनोजा है, ये बैठे, ये देखो इन्हें ठंडा ही नहीं लग रहा। मनोजा ऐसा है क्या? विंड सीटर पहन के मैं भी रेडी हूँ यहाँ पे। हाँ मनोजा भी रेडी है। तो मनोजा अभी बॉम फायर में चल रहे ना अपन? बिल्कुल बिल्कुल बॉम फायर में चल रहे। तो गाइस चलते हैं सीधे बॉम फायर में, थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे बॉम फायर एंजॉय करते हैं, उसके बाद देन हम अपना डिनर करेंगे, देन कैंपिंग करेंगे मस्त एकदम बिंदास। और ये बॉम्फायर लगा रहा हमारा पंकज, ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अच्छा। और बहुत ही मतलब सुकून कहते हैं ना, सुकून का पल। ये देखो ओनर भी आ गए यहाँ पे, मनोज जी हमारे ओनर हैं और ये पंकज जी हमारे जो बॉम्फायर लगा रहे हैं। मनोज जी ने खिसकाया स्टूल है, आज ठंडा हो रहा है यार, वास्तव में ठंडा है आज, ठंडा है। तो मैं ये टायर रखा है, इसमें बैठता हूँ मस्त तरीके से बॉम्फायर में। आज ठंडा है यार, आज ठंड छे यार दादी, आज ठंड। सो गाइस अभी हम मनोज और मैं बॉम फायर का एंजॉय लेते हैं, ये सामने बॉम फायर है तो अभी एंजॉय लेते हैं, देन उसके बाद अपन क्या करेंगे सीधे डिनर करेंगे और सीधे रेस्ट करेंगे। तब तक 15-20, 5-10 मिनट जितने भी होते हैं हम यहाँ बॉम फायर में बैठते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपन सीधे डिनर करेंगे। और विजय भाई को ठंडा लग गया था इसलिए विजय भाई रजाई में घुस चुके हैं अंदर तगड़े तरीके से। लेकिन मनोज दा ने कहा गौरव भाई मैं तुम्हारे लिए बॉम्फायर लगाता हूँ, देन मनोज दा हाय बोलो यार सारी ऑडियंस को। हाय गाइस लव यू, आइए एंजॉय कीजिए इस गर्मी के मौसम में, ठंड का एहसास कीजिए। देखिए लोग वहाँ धूप से भाग रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं ऐसी गर्मी में, हम ठंड चाहिए, ठंड में हमें बॉम्फायर लेनी पड़ी है। तो सोच सकते हैं कि कैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, कैसा माहौल होगा। तो गाइस यहाँ पे इतना ठंडा है, अगर आपने कभी भी आना है तो अपने साथ हमेशा विंड चीटर तो हमेशा लेके आइएगा, स्पेशली गर्मियों के मौसम में विंड चीटर चल जाएगा, लेकिन जाड़ों के मौसम। गाइस यहाँ पे हमारे विजय भाई आ गए, विजय भाई को, विजय भाई एक्चुअली क्या है, विजय भाई अपना मजाक नहीं कर रहा हूँ, विजय भाई को हम रजाई से उठा के लाए हैं। और विजय भाई देख रहे हो किस में आए हैं, ये देखो ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया इसको। और ये बैठा भाई बॉम फायर में, ठीक है, इससे मैंने कहा था भाई जैकेट वगैरह कुछ रख ले या विंड चीटर रख ले, लेकिन भाई ने सुनी नहीं, तो सो विजय भाई को ठंडा लग रहा है इसलिए यहाँ पे आ गए, उठा के लाया हूँ विजय भाई को। विजय भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? गोद में उठा के लेके आए हैं मुझे। गोद में तो नहीं लाया हूँ, पीठ में जरूर लाया हूँ, गोद में नहीं पीठ में लाया हूँ, क्योंकि ये अपना चिकना है ना भाई अपना। ये विजय भाई देखो, अब देखो ये हंस रहे हैं। अब सीधी बात है कि ये बॉम्ब फायर में बैठे हैं, इनसे मैंने कहा था भाई कुछ ले आना जैकेट वगैरह, लेकिन नहीं लेके आए, मानते नहीं वाले। लाए नहीं तुम, हमें ये करना पड़ा व्यवस्था। हाँ सही बात, हमने की व्यवस्था भैया, रजाई दी रखी है भाई को यार, और बताओ अपनी रजाई भाई को दे रखी है, तब जाके विजय भाई की ठंड रुकी है। तो ना ना भैया ये चीज की शौकीन नहीं है हम लोग, सॉरी इसके लिए मनोज जी। तो समझ सकते हैं आप गाइस क्या बोल रहे हैं मनोज जी हमारे, लेकिन जो भी है अब हमारा हो गया है डिनर टाइम, सो हम चलते हैं डिनर के लिए। तो गाइस हमारा आ गया है डिनर यहाँ पे, रेडी है कौवा बिरयानी और गौरव बिलवाल जी के साथ, आप टेस्ट कर सकते हैं। सॉरी गाइस यहाँ पे सीधे मनोज दा तो अपनी मजाक में लगे हुए हैं, क्योंकि मजाक चलती रही अपन लोगों की। ये पंकज है हमारा, पंकज हमारे लिए, पंकज बढ़िया, पंकज ने हमारे लिए डिनर सर्व किया है यहाँ पे, मिक्स वेज है, दाल है। और ये विजय भाई, और विजय भाई को लगी दबा के भूख बेहिसाब, क्योंकि हमने दिन में भी लंच बहुत
नॉर्मली किया था, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी आपको बताई है, एक चाय और एक मैगी में क्या होता है तो नॉर्मली रहता है। तो ये हमारा डिनर आ चुका है, रोटी दाल और मिक्स वेज। तो अब इसे करते हैं बढ़िया से, उसके बाद हम सीधे यहाँ पे विजय भाई भी बैठ गए। विजय भाई यहाँ पे मजे ले रहे हैं। विजय भाई ने ये पूरी दाल ले ली है, पूरा वाली दाल। मेरे को ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने हवा चल रही है यहाँ पे, विजय भाई को भी ठंडा लग रहा है। तो अब हम खाना वाना खाते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। सो गाइस हमारा हो गया डिनर फिनिश और अभी हम बैठे हैं बॉम फायर में और थोड़ा चल चुलेंगे तो खाना जो खाया है वो पच जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और पच ही जाता है, थोड़ा चल के तो पच ही जाता है। तो गाइस हमारा आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, ट्रैवलिंग हुई, कैंपिंग हुई, यहाँ पे मनोजा से मिले, पंकज भाई से मिले और बाकी साथ में कौन है आपको पता ही है, वन एंड ओनली मिस्टर विजय जोशी। तो अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर दिया, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जो भाई कैसा लगा बताओ? बढ़िया आज, मतलब मस्त लगा रहा है एकदम। अच्छा लगा, ठंडा बहुत हो रहा है। ठंडा बहुत हो रहा है, देखो विजय भाई भी बॉम फायर में बैठे हुए हैं, इनके लिए अभी पंकज लकड़ी वगैरह लेके आया तो उसने लगाई, तब जाके विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।